हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को प्रेस वार्ता के दौरान बलवीर वर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। बलवीर वर्मा ने मुख्यमंत्री को निशाने पर लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपनी मानसिकता को खो बैठे। मुख्यमंत्री चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए इस स्तर की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जैसी पंचायत प्रधान भी नहीं करते। उन्होंने कहा कि सारी बातों को लेकर पूर्व विधायक न्यायालय पहुंच गए हैं, जहां दूध का दूध और पानी का पानी होगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में जनता भाजपा को 400 पार के आंकड़े पर पहुंचाएगी। जैसे ही शपथ ली, सबसे पहले ये सारे ऑफिस बंद किए और बंद करते करते कहां पहुंच गए, किस तरह से झूठी गारंटियां हिमाचल प्रदेश में बोलकर सत्ता में आए थे और किस तरह से जनहित के सारे ऑफिस बंद किए, ये एक बहुत ही हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसे आज से पहले उत्तर प्रदेश में भी नहीं हुआ होगा, जहां 400 कुछ विधायक है और 80 एमपी है कि 1200-1300 इंस्टीट्यूशन एक साथ बंद किए जाए। इन सब विधायकों ने जब इनको बहुत पीड़ा हुई, जब इनका उत्पीड़न हुआ, इनकी बात सुनी नहीं गई, विकास के कार्य में कोई महत्व नहीं दिया गया, उसके बाद और उस को कांग्रेस ने प्रत्याशी राज्यसभा का बनाया, जिसने प्रदेश के हित के अगेंस्ट एक इंडस्ट्रियलिस्ट से पैसे लेकर वकालत के लिए हिमाचल प्रदेश के हित के अगेंस्ट खड़े हुए विधायकों का कुछ मान था कि वो प्रदेश के हित के अगेंस्ट कैसे जाते। आप सब जानते हैं वाटर सेस में उन्होंने सरकार के अगेंस्ट खड़े हुए और अंतरात्मा जब विधायकों की, जिन्होंने देश हित और प्रदेश हित के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दिया, उन्होंने देखा कि हर चीज यहां जबरदस्ती और थोप कर डाली जा रही है, ना प्रदेश का हित देखा जा रहा है और साथ ही साथ देश के अंदर कांग्रेस जो माहौल बनाना चाहती थी सनातन धर्म के अगेंस्ट, उसमें भी इन सब विधायकों ने विरोध किया कि अपने धर्म के अगेंस्ट हम कैसे एक देश के अंदर एटमॉस्फेयर बनाएं। इनकी हृदय से और शुद्ध आत्मा से जो शुद्ध कार्य करने के लिए एक आवाज सबकी उठी, फिर ही इन्होंने सबने निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी को देश हित और प्रदेश हित के लिए हमारे को समर्थन देना चाहिए। और उसके बाद आप सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री किस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, चुने हुए प्रतिनिधि को किस तरह से निष्कासित किया, चुने हुए प्रतिनिधि को किस तरह से नाग भेड़ 15 करोड़ में बिके, सार्वजनिक स्थान पर बोल रहे हैं। इसका मतलब है मुख्यमंत्री अपनी मानसिकता खो बैठे हैं, जनता से विश्वास खो बैठे हैं, अपनी इस बखलाहट से प्रदेश की जनता हर चीज देख रही है, प्रदेश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि हर आदमी एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा होकर लड़ाई झगड़े ये फूटो। इस तरह से मुख्यमंत्री आज तक देश के अंदर प्रधानों ने भी ऐसा बयान नहीं दिया होगा, प्रधान भी अपने विपक्ष के प्रधानों को, हारे हुए प्रधानों को इस तरह के बयान नहीं देते। और मुख्यमंत्री दिन प्रतिदिन कभी कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं, और हमारे माननीय पूर्व विधायकों ने हर चीज कोर्ट में ले गए हैं, दूध का दूध पानी का दूध का दूध सब कुछ सामने आएगा, सच्चाई सब कुछ सामने आएगी। आप सब जानते हैं
ये झूठी बयानबाजी जनता को गुमराह करना कांग्रेस पहले भी जानती थी, पहले भी किया है, अब भी कर रही है। और हिमाचल प्रदेश और देश की जनता जानती है कि इस हिंदुस्तान को हमने पाकिस्तान की तरफ ले जाना है या अमेरिका की तरफ ले जाना है। 300 रुपए आटे का किलो 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 लें या हमारा देश उन्नति की तरफ और देश की जो जीडीपी है वो दुनिया में तीसरे नंबर पर आए। प्रदेश और देश की जनता जानती है कि आज देश के हित में, हर वर्ग के हित में, गरीब वंचित शोषित के हित में भारतीय जनता पार्टी ने जो योजनाएं देश के अंदर लाई है, इसके लिए देश बहुत तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और देश में भ्रष्टाचार मुक्त देश। पहले 2004 से 2014 के बीच भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाता था, आज देश पूरे विश्व में विकास के नाम से जाना जाता है। जिस दुनिया के सबसे ताकतवर देश में भी मोदी मोदी के नारे लगते हैं, जिन्होंने हमारे देश पर 200 साल राज किया उस देश में, यूके इंग्लैंड में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री के नारे लगते हैं और हमारा वर्चस्व देश और दुनिया में हर हिंदुस्तानी गौरवान्वित हुआ है। आप खुद समझिए, यूक्रेन से जब बाहर निकलना था, पाकिस्तान वालों ने भी हिंदुस्तान के झंडे उठाए, बहुत सारे देशों ने हिंदुस्तान के झंडे उठाकर उस देश से अपने नागरिक निकाले। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी और उनकी ईमानदारी, वफादारी और देश जिस दिशा में वो आगे ले जा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान और हिमाचल प्रदेश की जनता 400 पार भारतीय जनता पार्टी को इस 2024 के चुनाव में लाएगी। इसको आगे ले आएंगे ना और कुर्सियां क्या ले आएंगे? बस यहाँ शाम को उससे ये होगा कि बैठने वाले जो क्या आप सभी का इस पत्रकार संवाद में धन्यवाद। तो मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एवं चौपाल से विधायक और इस शिमला संसद निवेदन करूंगा, बलबीर वर्मा जी अपना विषय आपके समक्ष रखेंगे। वर्मा जी उपस्थित हैं, साथ में हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष कमलजीत सूद जी, मेरे सहयोगी। इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत और इस मंच पर बैठे इन सभी का भी धन्यवाद। आप सब जानते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर राज्यसभा संसद के नतीजे के आने के बाद प्रदेश के अंदर इस देव भूमि, वीर भूमि और शिव भूमि में जिस तरह का शब्दों का उच्चारण विपक्ष कर रहा है, इस्तेमाल विपक्ष कर रहा है, हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ है। इलेक्शन विधानसभा के भी, लोकसभा के भी कई बार हिमाचल प्रदेश में हुए हैं और बड़ी हैरानी की बात होती है, प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार गणित की बात करते हैं पर मैं ये समझता हूं कि गणित तो उनका, जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी उस दिन से ही खराब होना शुरू हो गया था। प्रदेश की कांग्रेस की अध्यक्षा उस दिन से ही उनके अगेंस्ट बयानबाजी शुरू कर दी थी
और उनको कैसे यहां लाया, आप सब जानते हैं कि जिस दिन ओथ होनी थी सुबह पहले हॉली लॉज जाना पड़ा, और जिस दिन हमारे राज्यसभा संसद के रिजल्ट आए 43 से वो 34 आए और हम 25 से 34 पहुंचे, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा गणित का रिजल्ट कभी भी नहीं हो सकता। और हिमाचल के इतिहास में आज से पहले अगर किसी मुख्यमंत्री के अगेंस्ट इतने विधायक एक डेढ़ साल के अंदर आए हैं, इसका मतलब है मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली, मुख्यमंत्री का व्यवहार और मुख्यमंत्री की जन हित की और जन विरोधी योजनाएं और जन हित की जो प्रदेश के अंदर आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने बहुत सारी ऑफिस इस्टेब्लिश किए थे, नोटिफिकेशन की थी, हॉस्पिटल, एसडीएम ऑफिस, कॉलेज, स्कूल, जनहित के सारे, पीडब्ल्यू के डिवीजन, सब डिवीजन, आईपीएच इलेक्ट्रिसिटी के डिवीजन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जनता हित के कार्य के लिए होते हैं, विकास की गति जिससे बढ़ती है। जैसे ही शपथ ली सबसे पहले ये सारे ऑफिस बंद किए, और बंद करते करते कहां पहुंच के किस तरह से झूठी गारंटियां हिमाचल प्रदेश में बोलकर सत्ता में आए थे और किस तरह से जनहित के सारे ऑफिस बंद किए, ये एक